नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। प्रतिभाशाली फरहान रजा का भूगर्भ वैज्ञानिक पद पर चयन होने से मैनपुरी में मनाया गया जश्न। बधाइयां देने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी के मदद का मोहताज नहीं होती। मैनपुरी के कस्बा करहल के मोहल्ला खेड़ा निवासी प्रतिभाशाली छात्र फरहान रजा ने तरक्की का जो मुकाम हासिल किया है, उससे नगरवासी खासे खुश नजर आ रहे हैं। छोटे से परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतिभाशाली छात्र इरफान रजा का भूगर्भ वैज्ञानिक जैसे बड़े पद पर ONGC फतह करने पर समर्थक एवं शुभचिंतक फूले नहीं समा रहे। नगर के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों एवं अधिवक्ताओं ने छात्र फरहान रजा के करहल आवास पर पहुंचकर उन्हें फूल माला पहनाकर उनकी उच्च सफलता पर उन्हें बधाई दी। अपने बेटे की तरक्की के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली माँ अपने बेटे की सफलता पर अल्लाह को बार बार आभार व्यक्त करते दिखी। बताते चले, प्रतिभाशाली छात्र फरहान रजा ने कस्बा करहल के आजाद हिंद इंटर कॉलेज से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन IIT रुड़की से डिग्री हासिल की थी। इनका चयन बड़े अधिकारी के पद पर हो जाए। मैंने शुरू से अपनी नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बना, जो अपने वतन का रोज नाम रोशन करे। और बच्चे को भी हमेशा यही समझाती रही कि बेटा, अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटना और आगे तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करना। अरे, कितनी खुश है आज आपके बेटे का चयन हुआ है। आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। जिंदगी सब कुछ किया हो जी, बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने मेरा थ्रू और सपोर्ट किया और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी किया। और जब भी मैं टूटता था, जब भी मैं उदास होता था, तो मेरी माँ और मेरे पापा मेरा हौसला अफजाई करते थे कि नहीं बेटा, तू कर सकता है। जब भी मेरा अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप योगी सिंह चयन हुए पूरे परिवार में सब कैसे किस तरह की खुशियाँ? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये ड्रीम कम्स ट्रू है। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं एक अच्छे पोस्ट पर जाके देश का नाम रोशन करूँ, मोहल्ले का नाम रोशन करूँ, कस्बे का नाम रोशन करूँ। अच्छा, आपने जो मेहनत की है, इसका किसको श्रेय देना चाहिए? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूँगा कि उन्हीं के बदौलत जो भी कुछ मैं हुआ उन्हीं की बदौलत। और उसके बाद मैं इसका श्रेय अपने भाइयों को देना चाहूँगा कि उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी।